Hi everyone, I, am Daminti Matiani, welcome you all to the Winning Ask YouTube channel. Today we are going to study about the largest and smallest in India. Okay, so firstly, let's talk about the biggest. केव टेम्पल इन इंडिया तो हमारा जो बिगेस्ट केव टेम्पल है भारत में वो कौन सा है तो याद रखिएगा हमारा जो कैलाश टेम्पल है जो कहाँ पे है जैसे हम एलोरा केव भी बोलते हैं कहाँ पे है ये हमारे महाराष्ट्र में तो हमारा बिगेस्ट in तो केव टेम्पल इन इंडिया तो टोटल इसमें कितने केव हैं टोटल सिक्सटीन केव्स है हमारे कैलाश टेम्पल में ठीक है नेक्स्ट इज लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम इन इंडिया तो हमारा जो लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम इन इंडिया वो कहाँ पे है या पहले उसका ये बताओ कि नाम क्या है तो हमारा मोटेरा स्टेडियम ठीक है या हम क्या बोले सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम या फिर हम उसे नरेंद्र मोदी स्टेडियम भी बोला जाता है ठीक है तो अगर आएगा मोटेरा स्टेडियम आए या फिर हम बोले सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम बोले या हम बोले नरेंद्र मोदी स्टेडियम तो ये क्या है लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम इन इंडिया तो एक ही के तीन तीन नाम है ठीक है उसके बाद हम बात करते हैं फास्टेस्ट ट्रेन इन इंडिया ठीक है तो जो हमारी फास्टेस्ट ट्रेन है वो कौन सी है वंदे भारत जिसकी स्पीड कितनी है 180 एटी किलोमीटर पर आर वैसे जो हमारे सेकेंड नंबर पे है वो हमारी क्या है गतिमान एक्सप्रेस ठीक है जो हमारे दिल्ली एंड आगरा के बीच में चलती है और उसकी स्पीड क्या है 160 सिक्सटी किलोमीटर पर आर फिर हमारे थर्ड नंबर पर अगर हम बात करें तो क्या है भोपाल शताब्दी एक्सप्रेस जो हमारे क्या है वन किलोमीटर पर आर के हिसाब से चलती है ठीक है तो अगर हम वो पूछा जाए कि फास्टेस्ट ट्रेन इन इंडिया तो क्या बोलोगे वंदे भारत ओके नेक्स्ट ये पूछा जा रहा है कि हाईएस्ट एयरपोर्ट इन इंडिया कौन सा है तो हमारा जो हाईएस्ट एयरपोर्ट है वो कहाँ पे सिचुएटेड है पहले तो याद रखना कि लेह में है ठीक है तो उसका नाम क्या है कुशोक बाकुला रिम्पोची एयरपोर्ट इन लेह ठीक है तो हमारा जो हाईएस्ट एयरपोर्ट है वो कहाँ पे है लेह में है और उसका नाम क्या है कुशोक बाकुला रिम्पोची ठीक है तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन है इन्हें डायरेक्टली याद करना है या तो इसे नोट uh, डाउन कर लो या फिर इस वीडियो को बार बार देखते जाओ ठीक है इसके बाद हम बात करते हैं हमारा हाईएस्ट अवार्ड इन इंडिया ठीक है तो जो हमारा हाईएस्ट अवार्ड है वो कौन सा है भारत रत्न है ठीक है तो ये हमारा याद रखना हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भी अगर हम बोले तो क्या है भारत रत्न तो भारत रत्न देखो ऐसे पीपल का क्या होता है पत्ता होता है उसके ऊपर ऐसा होता है ठीक है तो दिस इज भारत रत्न तो हमारा जो हाइएस्ट अवार्ड है वो कौन सा है भारत रत्न ठीक है उसके बाद अगर हम बात करें हाईएस्ट डैम की तो जो हमारा हाईएस्ट डैम है वो कौन सा है टिहरी डैम है और टिहरी डैम कहाँ पे हमारा उत्तराखंड में ठीक है नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लार्जेस्ट कॉरिडोर तो हमारा जो लार्जेस्ट कॉरिडोर है देखो इस तरीके से देखता है एक बार पिक्चर भी देख लो ये पूरा कॉरिडोर है तो जो हमारा लार्जेस्ट कॉरिडोर है कहाँ पर है हमारा रामास्वरम जो हमारा टेम्पल है तो जो हमारा रामेश्वरम टेम्पल कॉरिडोर है वही हमारा क्या है लार्जेस्ट कॉरिडोर है और ये कहाँ पर सिचुएटेड है हमारे तमिलनाडु में ठीक है तो डायग्राम भी याद कर लो और टेम्पल का नाम भी याद कर लो और जगह कहाँ पे है ये भी साथ में साथ याद कर लो फिर हम बोलते हैं लार्जेस्ट नेशनल पार्क या फिर फिर हाइएस्ट भी अगर हम बोले तो कौन सी है हमारी हेमिस इस नेशनल पार्क और जो कहाँ पे हमारा जम्मू एंड कश्मीर में ठीक है ना नेक्स्ट इज लार्जेस्ट बिल्डिंग इन इंडिया तो हमारे कौन है राष्ट्रपति भवन तो जल्दी मुझे बताओ कि राष्ट्रपति भवन में हमारे कितने रूम्स है ठीक है और ये क्या है हमारी दिल्ली में फिर उसके बाद बात करते हैं हाइएस्ट पीक ठीक है तो हाइएस्ट पीक हमारा कौन सा है के ठीक है तो जो हमारे कौन से रेंज में आता है काराकोरम रेंज में और इसको हम गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जानते हैं लेकिन ये हमारे क्या है डिस्प्यूटेड रीजन में तो अगर काराकोरम अगर आपके ऑप्शन में हाई स्पीड में अगर आपके ऑप्शन में केटू आएगा तो टिक तो केटू मानूंगे ठीक है बाई चांस अगर केटू नहीं आता है तो उसके बदले क्या अगर लिखोगे कंचनजंगा ठीक है बिकॉज हमारा जो केटू है वो क्या है इंडिया के जो डिस्प्यूटेड रीजन है वाले रीजन में आता है इसलिए कभी कभाल क्या के होता है केटू को नहीं माना जाता है नहीं तो हम क्या बोलेंगे हाईएस्ट पीक कौन सा है हमारा केटू है और ये कहाँ का है इंडिया का ठीक है और अगर हम बात करें पूरे वर्ल्ड में बोले तो नेपाल का कौन सा होगा माउंट एवरेस्ट होगा ठीक है तो ये जो पर्टिकुलर फैक्ट्स है ना ध्यान में रखना इसके बाद हम बात करते हैं लार्जेस्ट म्यूजियम तो हमारा जो लार्जेस्ट म्यूजियम है वो कहाँ पे है कोलकाता में है और इसका नाम ही इंडियन म्यूजियम एट कोलकाता है ठीक है म्यूजियम का नाम ही क्या है इंडियन म्यूजियम एट कोलकाता तो ये हमारा क्या है लार्जेस्ट म्यूजियम इन इंडिया ठीक है इसके बाद हम बात करते हैं स्मॉलेस्ट स्टेट इन एरिया ठीक है state area, तो जो हमारे स्मॉलेस्ट स्टेट है एरिया वाइज वो कौन सा है हमारा गोवा तो यहीं पे आप लोगों के लिए क्वेश्चन है जो हमारा लार्जेस्ट स्टेट अकॉर्डिंग टू द एरिया वो कौन सा है वही मुझे ये बताओ स्मॉलेस्ट एरिया अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन डेंसिटी कौन सा है वही लार्जेस्ट स्टेट अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है ठीक है कौन सा है तो जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए ठीक है अब हम बात करते हैं लार्जेस्ट पोर्ट की ठीक है तो पोर्ट क्या होता है जहाँ पर शिप वगैरह रहते हैं सामान वगैरह हम जाते हैं जो भी हमारे सिप के थ्रू जाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं पोर्ट बोलते हैं तो जो हमारे लार्जेस्ट पोर्ट है वो कहाँ पर मुंबई का है ठीक है तो बाई साइज एंड शिपिंग ट्रैफिक भी हमारे क्या है ये लार्जेस्ट पोर्ट है एरिया वाइज नहीं बोल रहे हम किसके अकॉर्डिंग की जो हमारे शिपिंग वगैरह होता है आप लोगों का अगर फ़ौरन से कहीं से सामान आ रहा है ठीक है अगर बाहर विदेश से सामान आ रहा है तो अगर मान लो शिप वगैरह से आते हैं तो बहुत ज्यादा शिपिंग कहाँ पे होती है हमारे मुंबई में होती है ठीक है और ये हमारे सेकेंड ओल्डेस्ट पोर्ट भी है ठीक है उसके बाद हम बात करते हैं लॉन्गेस्ट बीच इन इंडिया ठीक है तो लंबाई के हिसाब से जो लॉन्गेस्ट बीच है इंडिया में कौन सा है मरीना बीच और ये कहां पे चेन्नई तो मुझे बताओ चेन्नई कौन से स्टेट में कमेंट सेक्शन में जल्दी उसके बाद हमारा है लॉन्गेस्ट कैनाल इन इंडिया तो हमारा जो कैनाल होता है तो सबसे लंबा कैनाल हमारे भारत में कौन सा है ठीक है तो उसका नाम है इंदिरा गांधी कैनाल ठीक है कौन सा कैनाल है इंदिरा गांधी कैनाल और ये कहाँ पे है हमारे इसको हम बेसिकली राजस्थान कैनाल भी बोला जाता है ठीक है तो नेक्स्ट हमारा लॉन्गेस्ट इलेक्ट्रिफाइड रेलवे टनल तो कौन सा है हमारा वेंकाई नायडू ठीक है तो कौन सा हमारा वेंकाई नायडू जो टनल है वो हमारा क्या है लॉन्गेस्ट इलेक्ट्रिफाइड रेलवे टनल है ना द नेक्स्ट इज लॉन्गेस्ट हाईवे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगेन पूछा जाता है कि लॉन्गेस्ट हाईवे कौन सा है तो हमारा क्या है एन एच फोर्टी फोर तो इस पहले हमारा एन एच सेवन था अब कौन सा है बट अब चेंज हो गया एन एच फोर्टी फोर हो गया ठीक है उसके बाद हम नेक्स्ट जो पढ़ते हैं दैट इज लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म तो ये जैसे रेलवे प्लेटफॉर्म अगर नहीं पता किसी को क्या होता तो है तो जहाँ पे हमारे ये है जैसे पिक्चर में दिख रहा है तो ये हमारे क्या प्लेटफॉर्म है ठीक है तो जो हमारे लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म है वो कौन सा है गोरखपुर रेलवे स्टेशन ठीक है तो ये बताओ कि गोरखपुर कौन से स्टेट में है ये क्वेश्चन आप सभी के लिए अगेन कि गोरखपुर रेलवे स्टेशन कहाँ पे है और उसके बाद ये बताओ कि गोरखपुर जो प्लेस है वो कौन से स्टेट में आता है ठीक है इसके बाद हमारा है लॉन्गेस्ट रेलवे रूट तो जो हमारा इंडिया में लॉन्गेस्ट जो रेलवे रूट है वो कहाँ से कहाँ तक है तो याद रखना हमारा जो असम है ये डिब्रुगढ़ दिख रहा है आपको तो डिब्रूगढ़ कहाँ पे है असम में तो डिब्रूगढ़ से लेके ये जो जा रहा है ये रूट करते हुए नीचे हमारे कहाँ तक कन्याकुमारी तक तो ये हमारा क्या है लॉन्गेस्ट रेलवे रूट है तो कहाँ से असम टू हमारा क्या है कन्याकुमारी तो असम में कौन सी जगह हमारी जो डिब्रुगढ़ जगह है वहां से लेके कन्याकुमारी तक ठीक है अच्छा इसके साथ साथ मुझे बताओ एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि असम में कौन सी नदी बहती है ठीक है असम में कौन सी नदी बहती है ठीक है उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आ, है आपका ये है कि लॉन्गेस्ट रिवर ब्रिज ठीक है जो पानी के ऊपर सबसे लंबा जो रिवर ब्रिज है वो कौन सा है तो उसका नाम है ढोला या फिर हम क्या बोलते हैं सादिया ब्रिज भी बोलते हैं ठीक है थीके? इसका एक और नाम है तो आपको ना जो आ, दो दो जिस जिस चीज़ों के दो दो तीन तीन नाम है वो भी नाम याद रखना है कभी कभाल क्या होता है ऑप्शन में अगर आप मान लो सादिया ब्रिज नाम याद याद करके लेके गए हो ठीक है और वहां पे अगर ऑप्शन में आ गया भूपेन हजारिका सेतु तो फिर क्या करोगे तो उस टाइम तो फिर आपको कंफ्यूज होना है तो आप लोगों को

इसके बाद हम बात करते हैं द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया ये तो सभी को पता है जो हमारी गंगा है द गंगेस इट इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया ओके देन आफ्टर दैट द क्वेश्चन इज द लॉन्गेस्ट टनल इन इंडिया ठीक है जो हमारा हाईवे हम बोलते हैं वो कौन सा है तो हमारा जो लॉन्गेस्ट टनल है वो कौन सा है अटल टनल तो ये रोहतांग जो पास है वहां पे है ठीक है नाउ द ओल्डेस्ट चर्च इन इंडिया तो हमारा जो ओल्डेस्ट चर्च है हमारे इंडिया का वो कौन सा है हमारा सेंट थॉमस चर्च ठीक है या इसको हम क्या बोलते हैं मालाबार चर्च के नाम से भी जाना जाता है तो अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे पुराना चर्च कौन सा है भारत में तो कौन सा से है सेंट थॉमस चर्च है ठीक है और ये कहाँ पर इसको हमारा दूसरा नाम क्या है मालाबार चर्च भी बोला जाता है ठीक है और अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशन इट वॉज स्टैब्लिश इन फिफ्टी टू ए डी बाई सेंट थॉमस ठीक है तो ये कब बनाया गया था हमारे फिफ्टी टू ए डी ए डी का मैंने आपको पहले एक वीडियो है इसमें बताया है जिसमें हमने रिलीजन के बारे में कवर किया है तो उसमें मैंने बताया ए डी क्या होता है एन ऑ ठीक है जो पीरियड हमारा क्या होता है चले बताओ एडी और बीसी में क्या डिफरेंस होता है ठीक है तो जो एडी होता है जो हमारे जीसस uh, क्राइस्ट के बाद वाला जो टाइम पीरियड होता है उसे हम क्या बोलते हैं एडी के ओर से दिखाते हैं और बीसी मतलब हमारे जो बिफोर क्रिस्ट मतलब जो हमारे जीसस क्रिस्ट के बर्थ से पहले वाला जो टाइम पीरियड होगा उसे हम क्या किससे डिनोट करते हैं बीसी से ठीक तो है तो यहाँ पे एडी है तो एडी मतलब फिफ्टी टू ए मतलब जीसस क्राइस्ट के बाद वाला जो टाइम पीरियड था ठीक है तो हमारे फिफ्टी टू ए में किसने बनाया गया था सेंट थॉमस ने इसे बनाया था ठीक है एंड इट इज द फर्स्ट चर्च इन इंडिया एंड

ठीक है तो हमारे क्या है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तो ये बताओ जो हमारे statue of Unity है उसमें किसकी स्टैच्यू बनी है ठीक ठीक है 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 तो ये जो किसकी मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में जल्दी बताइए और ये हमारे कितने मीटर के अगर पूछेंगे तो 182 मीटर की स्टैचू है ठीक है जो तो हमारे स्टैचू ऑफ यूनिटी है उसकी हमारी हाइट कितनी है 182 मीटर की है ठीक है ये फैक्ट भी याद रखना उसके बाद हम बात करते हैं द लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसिंग स्टेट ठीक है तो जो हमारे सबसे ज़्यादा जहाँ पे हमारे क्या होता है चाय पत्ती का प्रोडक्शन uh, होता है वो कौन सी स्टेट है तो हमारे असम में ठीक है तो असम हमारे क्या है नॉर्थ ईस्ट स्टेट में ठीक है तो जरा मुझे uh, कमेंट सेक्शन में बताइए कि हमारे कौन कौन से है? हमारे नॉर्थ ईस्ट रीजन वाली स्टेट्स है ठीक है हम बोलते हैं ना uh, हमारे सेवन सिस्टर्स जो बोला जाता है तो कौन से ठीक है इसके बाद हम बात करते हैं लार्जेस्ट सुगर या सुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सा है तो हमारा कौन सा है उत्तर प्रदेश इज द लार्जेस्ट सुगर और सुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट आफ्टर दैट वी स्टडी अबाउट द लार्जेस्ट कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट तो कौन है तो हमारा जो गुजरात है वो हमारे क्या है लार्जेस्ट कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट उसके बाद हम बात करते हैं लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट तो सबसे ज्यादा जो यहाँ पे मिल्क का प्रोडक्शन होता है वो कौन सा स्टेट है तो हमारा उत्तर प्रदेश अगेन इज द लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट ओके नाउ द लार्जेस्ट वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट तो सबसे ज्यादा जो वीट होता है ठीक है वो कहाँ पर प्रोड्यूस होता है तो हमारे कहाँ होता है उत्तर प्रदेश में ठीक है तो उसके बाद हमारा लार्जेस्ट राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट तो सबसे ज्यादा राइस का प्रोडक्शन कौन से स्टेट में होता है तो वेस्ट बंगाल में ठीक है तो ये सारे फैक्चुअल क्वेश्चन है डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे इसमें मैं आपको समझा कुछ नहीं सकती बस मैं डायरेक्ट बता सकती हूँ कि लार्जेस्ट राइस कहाँ मिलता है सबसे ज्यादा वीट कहाँ पर प्रोड्यूस होता है और डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वन वर्ड में ठीक है इसके बाद हमारा है लार्जेस्ट टोटल फूड ग्रेन प्रोड्यूसिंग स्टेट तो जहाँ पे सारे के सारे मतलब फूड ग्रेन अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा कहाँ पर प्रोडक्शन होता है तो हमारा उत्तर प्रदेश में ठीक है तो उत्तर प्रदेश में काफी ज्यादा खेती होती है उसके बाद हम बात करते हैं बीजीएस एयरपोर्ट ठीक है तो इंडिया में सबसे ज्यादा जो बीजी एयरपोर्ट है वो कौन सा है तो हमारा इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट ठीक है तो याद रखना एक हमारा क्या इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो कि कहाँ पे है दिल्ली में ठीक है उसके बाद स्टेट विद द हाईएस्ट लिटरेसी रेट ठीक है तो हाईएस्ट लिटरेसी जहाँ पे मतलब क्या है पढ़े लिखे जो है वो ज़्यादा है तो हम क्या बोलेंगे लिटरेसी रेट के हिसाब से जो हाईएस्ट स्टेट है वो कौन सा है हमारा केरला है ठीक है उसके बाद हम बात करते हैं स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी ठीक है तो अभी हमारे पास टोटल कितने यूनियन टेरिटरीज हैं एट टोटल कितने स्टेट है ट्वेंटी एट ठीक है, है तो उनमें से जो हमारे सबसे छोटी यूनियन टेरिटरी वो कौन सी है लक्षद्वीप है ठीक तो है तो लक्षद्वीप इज़ द स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी उसके बाद बात करते हैं लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर तो ऐसा प्राइम मिनिस्टर जिन्होंने सबसे ज्यादा टाइम पीरियड तक क्या किया था सर्व किया था वो सबसे ज्यादा टाइम पीरियड तो जो प्राइम मिनिस्टर रहे थे इंडिया के वो कौन थे जवाहरलाल नेहरू ठीक है इसके बाद बात करते हैं हाइएस्ट स्पोर्ट हमारा जो स्पोर्ट अवार्ड है ठीक है तो जो हमारा सबसे बड़ा जो खेल रत्न है वो कौन सा है ठीक है तो हमारा कौन है जिसे हम क्या बोलते हैं मेजर ध्यानचंद अवार्ड ठीक है तो पहले इसको क्या बोला जाता था पहले इसको राजीव गांधी

उसके बाद बात करते हैं फर्स्ट बैंक जो थी हमारी वो कौन सी थी बैंक ऑफ हिंदुस्तान कब बनी थी 1770 में ओके okay. तो हमारी जो पहली बैंक थी कौन थी बैंक ऑफ हिंदुस्तान कब कब से हिंदुस्तानी uh, 1770 में सॉरी 1770 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान हमारी फर्स्ट बैंक थी ओके okay. नाउ हमारी फर्स्ट इंडिजीनियस बैंक जो हमारे खुद की कंट्री की ठीक है इंडिया की जो हमारी पहली इंडिजीनियस बैंक थी ठीक है तो कौन सी थी हमारी पंजाब नेशनल बैंक ठीक है ओके बैंक विथ मोस्ट फॉरन ब्रांचेस इन इंडिया ठीक है तो ऐसे कौन से बैंक है जिसके सबसे ज्यादा फॉरन ब्रांचेस है तो हमारे एस बी आई ऑफकोर्स जिस हम क्या बोलते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ठीक है India, उसके बाद बात करते हैं फर्स्ट फॉरन बैंक तो हमारी जो पहली फॉरन बैंक है थी वो कौन थी स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक तो हमारे जो स्टैंडर्ड चार्ट बैंक थी वो हमारी कौन सी बैंक थी फर्स्ट फॉरन बैंक ऑफ इंडिया उसके बाद हम बात करते हैं बीजीएस ब्रिज तो सबसे ज्यादा बिजी रहने वाले जो ब्रिज है कौन से है हावरा ब्रिज जो हमारे क्या है वेस्ट बंगाल में फिर से आप सभी के लिए क्वेश्चन है मुझे ये बताओ कि हावरा ब्रिज कौन सी नदी के ऊपर है आई रिपीट माई क्वेश्चन जो हमारे हावरा ब्रिज है ये कौन सी नदी के ऊपर बना है ठीक है हमें ये तो है वेस्ट बंगाल में लेकिन मुझे बताइए कि कौन सी नदी के ऊपर है ठीक है एक इसे हम बात करते हैं लॉन्गेस्ट सी ब्रिज तो कौन से हमारे सी सीलिंग जो बांद्रा है ना मुंबई में ठीक है तो दो जो हमारे आइसलैंड है उसको क्या करता है कनेक्ट करता है तो कौन सा लॉन्गेस्ट सी ब्रिज है हमारा हमारा वर्ल्ड सी सीलिंग तो याद रखना यहाँ पे किसकी बात कर रहा है सी ब्रिज के बात कर रहा है जो समुद्र के ऊपर बना है ठीक है ओके अब इसके बाद है लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया तो कौन सी हमारी वुले लेक है तो मुझे जल्दी बताओ वुले लेक कहां पे है उसके बाद हमारा है हाईएस्ट मोटरेबल पास ठीक है तो जो हमारा हाईएस्ट मोटरेबल पास है वो कौन सा है हमारा उमिंगला पास जो हमारा क्या है ईस्टर्न लद्दाख में ठीक है तो ये भी अभी हमारा चेंज हुआ पहले हमारा रोहतांग पास था अब चेंज होकर कौन सा हो गया उमलिंगला पास ठीक है सो दिस ऑल फॉर द डे अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो या फिर आपको और ऐसी कोई वीडियो देखनी हो तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करना ना भूल थैंक यू जय हिंद